नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम बताकर विरोधी देश के एक बड़े वोट बैंक का फिक्स डिपॉजिट जमा करते रहते हैं। मोदी देश में होते हैं तो कभी लव जिहाद, कभी धर्म परिवर्तन, कभी किसी फिल्म को लेकर उनसे सवाल पूछे जाते हैं, और विदेश में होते हैं तो इसी तरह के सवाल पूछवाए जाते हैं। एक इकोसिस्टम है जो मोदी की इमेज को मुस्लिम विरोधी के तौर पर लगातार पेंट करता है, प्रोजेक्ट करता रहता है। अमेरिका में मोदी से मुसलमानों को लेकर एक सवाल पूछा गया। अब मोदी मिस्र में है। मोदी आज एक मस्जिद में गए। मुस्लिम देश ने मोदी सबसे बड़े सम्मान से नवाजा, तो क्या नेशनल और इंटरनेशनल दबाव में अपनी इमेज का मेकओवर कर रही हैं? क्या मोदी एंटी मुस्लिम इमेज को बदलने के लिए मस्जिद गए? होम ग्राउंड पर मोदी के खिलाफ विपक्ष जिस तरह आकार ले रहा है, क्या मोदी के लिए मुस्लिम आउटरीच अब जरूरी हो चुकी है? इजिप्ट की मस्जिद में जाकर मोदी ने क्या 2024 के लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार की? देश में जो सियासी उठापटक हो रही है, क्या उससे विदेश में मोदी का डे प्लान बदलता रहता है? इन सारे सवालों को इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। जो कहते हैं मोदी मुसलमानों से भेदभाव करते हैं, वो आंख खोलकर ये तस्वीर जरूर देखें। मिस्र आईओसी का मेंबर है, कट्टर मुस्लिम देश है। वहां प्रधानमंत्री एयरपोर्ट आते हैं और वेलकम ऐसे करते हैं। जो कहते हैं मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो कान खोलकर इन मुसलमानों को सुने। हमको बहुत पहली बार प्राइम मिनिस्टर को मिलके उनसे बातचीत करके, उन्होंने हमारे बच्चों को भी हाथ लगाया, बच्चों से बात की, नाम पूछा हमारे बच्चों लोग को क्या नाम है, तो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग हो रही है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हमको मिलने के लिए। आज की फीलिंग्स हमारे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग्स है। आज हमारे लिए एक काफ़ी सेलिब्रेशन का डे है। आज मोदी साहब यहाँ पर, जिन्हें पूरी हिंदुस्तान आज लव करती है, वो खुद आज यहाँ तशरीफ लाए हैं खुद, और इट्स अ ऑनर फॉर अस टू मीट हिम ओवर हियर, और सबको बड़ी बड़ी खुशी है यहाँ पर। जो कहते हैं मोदी मुस्लिमों को मजहबी आजादी नहीं देते, वो इस तस्वीर को ध्यान से देखें, माइक्रोस्कोप लगाकर देखें। काहिरा में रह रहे बोहरा मुसलमानों ने मोदी को 11वीं सदी में बनी अल हाकिम मस्जिद में इनवाइट किया था। साल 990 में फातिमी खलीफा अल अजीज बिल इल्हा निजार ने इसकी नींव रखी थी। साल 1013 में उनके बेटे अल हकीम के शासनकाल के दौरान इसे पूरा किया गया। अब इस मस्जिद को बोहरा समाज ने रेनोवेट किया है। बोहरा मुसलमानों से मोदी का पुराना रिश्ता है। मोदी जी का सैयदना साहब, हमारे जो हिजरों से डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, उनके साथ आपका एक बहुत गहरी ताल्लुक का रिश्ता है, बहुत गहरी मोहब्बत है उसकी। आते के साथ ही पहला सवाल उन्होंने हमें ये पूछा कि सैयदना साहब आपके कैसे हैं, और हमें यहाँ पर सैयदना साहब ने हमेशा सिखामन दी है कि आप जहाँ भी रहो, बोहरा कम्युनिटी के जो हमारे मेंबर्स हैं कोने कोने में दुनिया में सब छाए हुए हैं, कोने कोने में सब रहते हैं, और सैयदना साहब की एक ही हमारी ऊपर जो निगरानी रहती है, और जो हमारे जो सिखामन दी है आपने कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि आप जहाँ भी रहते हो वो कंट्री के आप वफादार रहो, वो कंट्री के आप मुहिब रहो। दैट वॉज अनदर ऑनर कि हम आगे ही खड़े थे और सबसे पहले आए तो हमको हमारे सैयदना साहब का पूछा कि सैयदना साहब कैसे है, एंड द मोमेंट आई सेड कि हमने भी पूछा कि साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो, तो उन्होंने उनके लिए तो ऐसे ही बोले कि हाँ चलता है, बट इट वाज लाइक रियली एन ऑनर कि भाई सबसे पहले सैयदना साहब कैसे है, एंड दैट वाज अनदर थिंग व्हिच वाज रियली गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मोदी साहब इतना रिकग्नाइज करते हैं हमारे को। हमको जब भी मोदी साहब हमारे साथ पहली बार आके खड़े रहे और हमारे साथ बात किए और हमको पूछे कि कैसे हो, इट वाज लाइक ओ माय गॉड द पीएम इज टॉकिंग टू अस एंड सेइंग कि आप कैसे हो, इट वाज सो कैजुअल एंड लाइक बीइंग पीएम बीइंग सो कैजुअल विद अस ओवर वाज अनदर थिंग कि कैसे इतने नॉर्मली इतने कैजुअली हमारे साथ इतना टाइम हमारे साथ निकाला, और हमको एकदम क्लोजनेस हमको फील किया। इसीलिए जब मोदी को बुलावा आया तो वो चले आए। जो लोग मोदी को खास तौर पर सिर्फ एक मजहब के चश्मे से देखते हैं, उनको मोदी के लिए इजिप्ट का दौरा क्या मायने रखता है,
वो उनके ट्विटर हैंडल से लगातार किए जा रहे ट्वीट से समझ सकते हैं। इस ट्वीट की भाषा देखिए, अरबिक में लिखा है, मोदी ऐसे कनेक्ट करते हैं, वो मुसलमान नहीं देखते हैं। इजिप्ट के दौरे में जो कुछ हुआ पूरी टाइमलाइन मोदी ने अरबिक भाषा में बताई। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे, जब वो मोहरा मुसलमानों से मिले, जब उनको मिस्र की बेटी ने वेलकम सॉन्ग सुनाया, जब प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा मैटबोली से गोलमेज मीटिंग हुई, जब मिस्र के थिंकर और कारोबारियों से मिले, मिस्र के सबसे बड़े मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम आलम से मुलाकात की। जब मैं आया था 1980s के अंदर अर्ली, एंड टुडे आई सी दैट हिंदुस्तानी, व्हेन यू टेल यहाँ पे लोकल के आई एम फ्रॉम इंडिया, तो सडनली दे लुक एट यू, ओह in Arabic they say in the Hindi that is you are from India and they immediately connect you. First in the 80s they used to connect you with Amitabh Bachchan and Bollywood. Now they connect you with IT etc. je aaj education ke upar jo India aa raha hai, because they realize aaj yahan pe je jitne bhi badi badi multinationals hai, there is an Indian sitting on the top, he is an Indian, and it can be well defined ki aaj hindustani ke log hai, भले के ओके एज अ कम्युनिटी आई बिलोंग टू अ बोरा कम्युनिटी, बट द वर्ड बोरा इज एन इंडियन वर्ड एंड द एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड बोरा मीन अ ट्रेडर। अभी स्कूल में भी हम लोग जाते थे मुंबई के, देख भाई बोरी की दुकान से ये लेके आओ, पेंसिल लेके आओ, शार्पनर लेके आओ, बिकॉज ऑलवेज वी आर पेटी ट्रेडर्स। तो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन। न मिस्र के प्रधानमंत्री ने मोदी के भीतर गैर मुस्लिम देखा, न राष्ट्रपति अल सीसी ने, न ग्रैंड मुफ्ती शौकी इब्राहिम ने, और न ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह सोचकर कोई परहेज किया। लेकिन एंटी मोदी खेमे को मोदी के भीतर सब कुछ भगवा भगवा दिखता है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत को ऐसे ही नहीं कहा जाता। यही गलती अमेरिका में पाकिस्तानी मूल की सबरीना सिद्दीकी ने की थी। सवाल माइनॉरिटीज पर पूछा था, प्रधानमंत्री के लिए अल्पसंख्यक क्या है, भारत में अल्पसंख्यकों की दशा क्या है, प्रधानमंत्री ने बताया था। आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमारे रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यू नहीं है, ह्यूमन डिग्निटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मोदी को भेदभाव के नाम पर बदनाम करने वाले हर बार मात खाते हैं, क्योंकि मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मोदी टोपी नहीं पहनते ये सच है, तो ये भी सच है कि मोदी टोपी पहनाते भी नहीं हैं। इसके अलावा वो सब करते हैं। जो लोग इन तस्वीरों को सिर्फ मोदी और बोहरा मुसलमानों के कनेक्शन से जोड़कर देखते हैं, वो मोदी को समझने में गलती करते हैं। जब मोदी मिस्र की सबसे पवित्र मस्जिद अल हकीम में जाते हैं, जब मोदी को मिस्र जैसा मुस्लिम देश अपने सबसे बड़े अवार्ड ऑर्डर ऑफ नाइल से नवाजता है,
तो 14% हिंदुस्तान का मुसलमान सीधे कनेक्ट करता है। मोदी भी 14% मुसलमानों को मैसेज देते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। मोदी कोई भेदभाव नहीं करते। मोदी यह दावा यूं ही नहीं करते, 9 साल के पूरे रिकॉर्ड को देखने को कहते हैं। 2014 से मोदी ने भारत में रह रहे मुसलमानों के हालात में सुधार करने के लिए कई योजनाएं लागू की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, उस्ताद योजना, मुद्रा योजना, केंद्र सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया। देखा जाए तो मुसलमानों के लिए मोदी सरकार में जितना काम हुआ पिछली सरकारों से ज्यादा हुआ। हज यात्रा की बजट राशि बढ़ाई गई, हज यात्रियों की संख्या बढ़वाई, उड़ान योजना में मुस्लिम लड़कों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की फ्री कोचिंग, मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना, मुस्लिम कारीगरों को ट्रेंड करने के लिए उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना, ये सब मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने अलग से योजनाएं दी हैं। ये सब हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों से अलग हैं। अब सवाल ये है कि मोदी जब इतना करते हैं तो फिर मोदी को मुसलमान वोट मिलता क्यों नहीं? उसकी वजह है मोदी को एंटी मुस्लिम बताने वाली पॉलिटिक्स, दूसरी वजह है अग्रेसिव हिंदुत्व वाला माहौल। मोदी को एंटी मुस्लिम बताने वाली पॉलिटिक्स में वो सभी लोग हैं जो पटना में इकट्ठा हुए थे। ये सभी मोदी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाते हैं। उसी में फुल मुस्लिम सियासत के अगवा जैसे लोग हैं जिनको मोदी के मुस्लिम प्रेम में हमेशा खोट नजर आता है। वहां की एक रिपोर्टर ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर ने भारत के वजीर आजम से जो सवाल किया, देश के प्रधानमंत्री, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि इस तरह से आपसे सवाल किया गया कि आप 9 साल से भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं, 300 एमपी आपके पास हैं, और आपसे सवाल करने वाला ये सवाल करता है कि क्या आप भारत के मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या काम करेंगे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री, मैं खुश होता अगर आपसे सवाल होता कि आप उस देश से आते हैं जहां पर 50% आबादी भारत की 28 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं खुश होता इस बात से कि अगर रिपोर्टर आपसे सवाल करती कि बताइए मेक इन इंडिया में आपने क्या क्या बनाया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि क्या आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस टारगेट को हासिल कर लिया। मैं खुश होता अगर उस फॉरेन रिपोर्टर आपसे बोलती कि भारत में इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपने क्या किया। मैं खुश होता अगर रिपोर्टर आपसे पूछती कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर नौजवान है तो भारत में उसकी बेरोजगारी के लिए आप क्या किए। मगर उस रिपोर्टर ने 9 साल के वजीर आजम, 300 एमपी रखने वाले वजीर आजम से पूछा, मुसलमानों की तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए क्या कर रहे हैं? तो हमारे वजीर आजम ने कह दिया कि हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मोदी और मुसलमानों के रिश्ते के नैरेटिव को नेगेटिव की तरह पेश करने का एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है जो मुसलमानों को मोदी से डराकर वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। रही सही कसर अग्रेसिव हिंदुत्व पूरी कर देता है, जिसमें लव जिहाद, धर्मांतरण, गौकशी, एनआरसी, सीए, यूसीसी, बजरंग दल जैसे संगठनों पर डराने के आरोप लगते हैं। चुनाव के वक्त जिस तरह से बीजेपी इन मुद्दों को ओन करती है, यही सब चीजें मुसलमानों को दूर करती हैं। चौतरफा विकास का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान और अल्पसंख्यक समुदाय उठा रहा है, लेकिन मोदी को वोट देते वक्त सभी के दिमाग में मोदी से डराने वाले नैरेटिव को इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये वही वजहें हैं जिससे मुसलमान मोदी के साथ जाने से हिचकता है। अब सवाल है कि मोदी को मुसलमान क्यों चाहिए? उसकी सीधी वजह है, मोदी को 24 में 300 का टारगेट चाहिए तो 40% से लेकर 50% वोट शेयर की जरूरत होगी। अभी 2019 के चुनाव तक बीजेपी को 37.4% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार जिस तरह से पटना के बाद अब शिमला से रणनीति बनने जा रही है, बीजेपी को यहीं से चुनौती नजर आ रही है।
अगर सभी विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ एक हो गई तो 14% मुस्लिम वोट एक तरफ बढ़ जाएगा। इसीलिए मोदी चाहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान में से करीब 5 करोड़ मुसलमान अगर उनके पाले में आ गए तो 300 सीट गारंटी से मिल जाएगी। और जो लोग मुस्लिम वोट को फिक्स डिपॉजिट समझते हैं, एक वही वोट है जो पक्का ट्रांसफर होगा। अगर 14% में से 3-4% हिल गया तो मामला सेट हो जाएगा। यही वजह है कि मोदी चाह रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ आएं। वो चेहरा बोहरा का हो सकता है, पसमानदा मुसलमान हो सकते हैं और महिला मुसलमान भी हो सकती हैं। जब बात बोहरी मुसलमानों की होती है तो वो सिर्फ एक समाज तक ही सीमित नहीं रह जाता है, बल्कि भारत में रह रहे करीबन 14% मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ा जाए, और इसी की वजह है कि सबसे ज़्यादा योजनाएं वेलफेयर के अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कट्टर विवादों को लेकर मुसलमान बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि मुस्लिम राष्ट्रों में जाकर प्रधानमंत्री अपनी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों के विरोध में नहीं हैं, और 2024 का जो चुनाव है इस पर भरोसा करते हुए अल्पसंख्यकों को ही वोट बीजेपी को मिले, जिससे 24 का रास्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके। कैमरामैन संतोष देवते के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता फरार, बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार है, पुलिस नहीं कर पा रही है तलाश, दोनों कहां गुम हो गए हैं। सवाल यह है कि अतीक के भाई अशरफ की वो मेन बात क्या है जो वो कह नहीं पाया, उसी बात में सारा राज छिपा है। लेकिन आज अतीक के भाई अशरफ का वो सेंटेंस पूरा हो गया है, खबर भी छप गई है, पुलिस को गवाह भी मिल गया है, उसने कबूल भी कर लिया है। क्या मेन बात यह है कि अतीक का गैंग गुड्डू मुस्लिम ही चलाता था? अतीक के गैंग और उसकी काली कमाई को लेकर ही शाइस्ता, जैनब और गुड्डू मुस्लिम फरारी काट रहे हैं? क्या है पूरा खेल, इस रिपोर्ट में समझिए। अतीक का भाई अशरफ मरने से पहले गुड्डू मुस्लिम के साथ किसका नाम लेना चाहता था? अतीक की पत्नी शाइस्ता का, क्योंकि शाइस्ता फरार है। अशरफ गोली लगने से पहले गुड्डू मुस्लिम के साथ क्या अपनी पत्नी जैनब का नाम लेना चाहता था, क्योंकि जैनब भी फरार है। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के वक्त मीडिया के सामने अशरफ आखिरी शब्द बोला था, मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। तो सवाल यह है कि क्या वो नाम साबिर और अरमान का था, क्योंकि ये दोनों भी फरार हैं। अप्रैल को अशरफ किसका नाम लेना चाहता था? नाम लेने से पहले ही अशरफ और अतीक को मौत के घाट उतार दिया। तीन शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद को 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आबिद ने पुलिस की पूछताछ में कई राज उगले हैं जो गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की तलाश में पुलिस के काम आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता दोनों एक साथ फरारी काट रहे हैं। यह है कि गुड्डू मुस्लिम, तो क्या अशरफ की जो आखिरी शब्द, मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम। इसके आगे की लाइन जो अधूरी रह गई थी वो शाइस्ता के नाम से पूरी होती या फिर कुछ और था? उमेश पाल की हत्या के बाद चर्चा में आए बम चलाने वाले गुड्डू मुस्लिम के बारे में पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चली है। दरअसल पहले पुलिस को पता था कि 10 से 12 साल पहले अतीक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम की जमानत कराई थी, जिससे दोनों नज़दीक हुए थे। लेकिन हकीकत कुछ और है। गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन से प्यार करता था, लेकिन उसे जाहिर नहीं करता था। इस बात की तस्दीक गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद से पुलिस की पूछताछ में भी हुई है। गुड्डू मुस्लिम के बेटे आबिद के इस कथित खुलासे से भी पुलिस शॉक में है, क्योंकि अभी तक पुलिस और एसटीएफ दोनों के हाथ खाली हैं, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के सभी मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं। 50,000 की इनामी शाइस्ता फरार है, अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार है, 5 लाख का इनामी है। अतीक की बहन आयशा नूरी फरार है, अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार है, अतीक का शूटर साबिर और अरमान भी फरार है। यह है कि गुड्डू मुस्लिम, उमेश पाल की जब हत्या हुई थी
तब अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रयागराज में ही थी। उमेश पाल की हत्या के बाद वो कई बार पुलिस के सामने भी आई, बेटे असद को लेकर सफाई भी दी, लेकिन जैसे ही उसका नाम उमेश पाल की हत्या में सामने आने लगा तो वो घबरा गई, फरारी का प्लान बनाने लगी। उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम कौशाम्बी में रुका और फिर कानपुर की तरफ बढ़ गया। तब तक शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही थी, लेकिन उमेश पाल की हत्या की साजिश में शाइस्ता परवीन का जब नाम आया तो गुड्डू मुस्लिम को फरार कराने वाले शख्स को फोन करके शाइस्ता ने गुड्डू की लोकेशन मांगी। फिर दोनों मेरठ में मिले और आगे की तरफ बढ़ गए। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फॉर्चुनर कार से फरार हुए थे। पुलिस के मुताबिक गुड्डू और शाइस्ता को एसटीएफ ने जब भी ट्रेस किया दोनों के साथ में ही होने के इनपुट मिले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता पहले साबिर के साथ फरारी काट रही थी, लेकिन बाद में गुड्डू मुस्लिम के साथ भागने लगी, और सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में भी दोनों साथ ही हैं। किसी गुप्त जगह पर गुड्डू ने शाइस्ता को रखा है, मतलब पुलिस की माने तो दोनों साथ हैं। गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक अहमद का सबसे खास था। जब उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई तो सबसे पहले अतीक को गुड्डू मुस्लिम की ही याद आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक ने खास तौर पर गुड्डू मुस्लिम को बुलाया था, जिससे वो मौके पर बमबाजी कर सके और दहशत फैला सके। गुड्डू ने बमबाजी करके ऐसा ही किया। गुड्डू मुस्लिम अतीक का खास कैसे बना, सबसे पहले उसे समझिए। ऐसा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वारदात के बाद गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया था। वो बिहार में छिपा हुआ था, हालांकि 2001 में उसकी गिरफ्तारी हो गई। ऐसा माना जाता है कि अतीक अहमद ने उसे जेल से बाहर निकालने में मदद की, जिसके बाद वो अतीक अहमद के साथ जुड़ गया और उसका दाहिना हाथ माना जाने लगा। लेकिन गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो कुछ और ही कहानी बयां करता है। गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन को पसंद करता था, लेकिन ये एक तरफा था। जब शाइस्ता परवीन से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो गुड्डू मुस्लिम इलाहाबाद छोड़कर चला गया और काफ़ी सालों तक गायब रहा। 2012 में गुड्डू मुस्लिम वापस आया और चकिया के चक निर्तुल इलाके में चांदनी नाम की महिला के साथ रहने लगा। यहाँ पर अतीक अहमद ने उसे ज़मीन खरीद के दी, 3 मंजिला मकान भी बना के दिया। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन के घर ज़्यादा जाने लगा और पूरी ईमानदारी से अतीक अहमद का बिजनेस और रंगदारी वसूलने में शाइस्ता की मदद करने लगा। 2017 के बाद से अतीक का सारा कामकाज गुड्डू मुस्लिम ही देखता था। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का राजदार भी था, अतीक की काली कमाई का भी राजदार गुड्डू मुस्लिम ही था। 2017 के बाद से गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता दोनों मिलकर अतीक के काले साम्राज्य को चला रहे थे। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद का खास शूटर गुड्डू मुस्लिम ही अतीक का सारा नेटवर्क संभालता था। एसटीएफ का दावा है कि अतीक गैंग आईएसआई से हथियार मंगवाता था, जिसे पंजाब के रास्ते से लाने का काम गुड्डू मुस्लिम ही मैनेज करता था। लखनऊ में रेलवे और मोबाइल टावर के टेंडर उठवाने में वो अपने आकाओं की मदद करता रहा। जरायम की दुनिया के साथ उसने रियल एस्टेट के कारोबार में भी हाथ आजमाया। 2017 से ही शाइस्ता और गुड्डू दोनों मिलकर अतीक का नेटवर्क संभाल रहे हैं। अब दोनों साथ में फरार हैं। खबर है कि अतीक की पत्नी और शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब में भी नहीं पटती थी। दरअसल अतीक अहमद के करीबी बिल्डर खालिद जफर ने अशरफ की पत्नी जैनब को लेटेस्ट मॉडल की फॉर्च्यूनर कार दी थी, जबकि शाइस्ता परवीन को नॉर्मल कार मिली थी, जिससे शाइस्ता परवीन और जैनब में झगड़ा हो गया था। गुड्डू मुस्लिम ने बीच में पड़कर मामला शांत कराया। यानी 2017 के बाद गुड्डू मुस्लिम की दखलअंदाजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो अतीक अहमद की पत्नी और अशरफ की पत्नी के झगड़े सुलझाता था और दोनों उसकी बात भी मानती थी। उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और अशरफ की पत्नी फरार है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक साथ फरारी काट रहे हैं। पुलिस जहां उमेश पाल हत्याकांड में फरार आरोपियों को तलाश रही है, तो वहीं अतीक के गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक अहमद का जो IS-227 गैंग था वो भी रडार पर है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके दोनों बेटे उमर और अली का नाम भी IS-227 गैंग में पुलिस शामिल करने वाली है।
मायावती सरकार ने जब 2007 में माफिया अतीक अहमद का आईएस 227 गैंग रजिस्टर किया था, उस वक्त 122 लोगों का नाम जोड़ा गया था। अब इसमें से 13 लोगों की मौत हो गई है, उनके नाम हटाए जाएंगे। इस लिस्ट में सपा के पूर्व विधायक का नाम भी है जो 21वें नंबर पर है। पुलिस इस लिस्ट को अपडेट कर रही है। माफिया अतीक अहमद के गैंग आईएस 227 पर पुलिस की पैनी नजर है। एक एक मेंबर का ब्यौरा पुलिस खंगाल रही है। अतीक अहमद के गैंग के कई मेंबर जेल में हैं तो कुछ जमानत में बाहर। एक एक मेंबर के घर जाकर पुलिस उनके बारे में पूछताछ कर रही है। अतीक अहमद के गैंग से अब कई नाम काटे जाएंगे और कई नए जोड़े जाएंगे। ऐसे गैंग मेंबर जो अब इस दुनिया में नहीं है या जिनका अपराध से अब वास्ता नहीं है, वो गैंग मेंबर की लिस्ट से हटाए जाएंगे और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और लखनऊ जेल में बंद उमर और नैनी जेल में बंद अली का नाम इस लिस्ट में नया जोड़ा जाएगा। मॉनसून देश में पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। कहीं गाड़ियां बह रही हैं, कहीं सड़क धस रही है, नदी नाले उफान पर हैं, मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। देश का आधा से ज्यादा हिस्सा इस वक्त सैलाब का सितम झेल रहा है और ये मुश्किल आगे और बढ़ेगी। मौसम विभाग का हाई अलर्ट आ चुका है। शहर शहर बारिश से कैसे मच रहा है कहर, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 20 स्टेट में जल अटैक, आज हिंदुस्तान में जल का। बादलों का प्रचंड प्रहार, लहरों में फंसी जान। मुंबई टू गुरुग्राम, आसमानी आफत से त्राहिमाम। मैदान से पहाड़ तक देश के 20 स्टेट में जल प्रहार से कोहराम मच गया है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से तबाही का मंजर सामने आया है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और जल सैलाब ने तांडव मचाया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में जल भराव ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। तस्वीर पंचकुला की है, यहाँ कार सवार महिला की जान लहरों के बीच फंस गई। पानी के प्रचंड प्रहार में लग्जरी कार खिलौना बन गई, जिसके बाद महिला को बचाने की जंग रस्सियों के सहारे ह्यूमन चेन बनाकर महिला को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन तेज लहरों का प्रहार बाधा बन रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार महिला को निकाला जा सका। महिला अपनी मां के साथ दर्शन पूजन के लिए आई थी, तभी नदी की तेज धार ने महिला को चपेट में ले लिया। रेस्क्यू के बाद तुरंत महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंचकुला के बाद दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बारिश और वाटर लॉगिंग के चलते दर्दनाक मंजर सामने आया। भोपाल शताब्दी ट्रेन पकड़ने पहुंची साक्षी आहूजा नाम की महिला की करंट लगने से मौत हो गई। पानी से लबालब बिजली के तारों की चपेट में महिला आ गई और जैसे ही खंभे के संपर्क में आई, महिला की करंट लगने से जान चली गई। इसी बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, एक हादसा पेश आया और एक महिला की यहां पर क्योंकि करंट लगने से मौत हो गई। और ये शूज जो आप देख रहे हैं और ये एक जो बैरिकेड लगाकर इसको कवर किया गया है, यहाँ की अगर बात की जाए तो यहीं पर उस महिला की मौत हुई सुबह के वक्त, क्योंकि अब पानी जमा हो गया और ये लापरवाही एक तरीके से इसको कहा जा सकता है। ये जो खंभा है देखिए, वहां पर जो तार है वो अब एक तरीके से बाहर निकले हुए हैं और उसी की वजह से करंट यहाँ पर फैला और उस महिला की मौत हो गई। FSL की जो टीम है वो अब यहाँ पर पहुंची है जांच करने के लिए। और ये जो टीम है देखिए, यहाँ पर ये जांच करने के लिए पहुंचे। आप जांच करने आए हैं यहाँ पर? मैडम उनसे बात करिए। नहीं, FSL थे ना, तो बिल्कुल देखिए जांच करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि पता लगाया जा सके किसकी गलती है। कुछ चश्मदीद जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, ऑटो चालक है, उनसे बात करते हैं क्या हुआ था उस वक्त, ये बताएं। एक लेडीज थी, वो अपने बच्चों के साथ जा रही थी, खंभे पे हाथ लग गया उसका गलती से और उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। हम लोगों ने उसे छुड़ाया, बेल्ट से उसको खींचा और लेकिन ओंडा से करंट लग गया तो करंट सबको आ रहा था। उसी महिला के यहाँ पे पानी भरा हुआ था पहले सुबह, इतना पानी भरा हुआ था तो उसका कम्बे में हाथ लगा तो वो चिपक गई थी, वो गिर गई। नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है, आपको यहाँ हजारों की तादाद में हर वक्त जो लोग हैं वो नजर आएंगे। पहाड़गंज की तरफ ये घटना हुई है, जो पहाड़गंज की तरफ गेट है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, और इसी तरह से तमाम लोग यहाँ पर जमा होते हैं। यहाँ भी पानी जमा है और भी ज्यादा जो बिजली के खंभे यहाँ पर है। दिल्ली NCR में बारिश के हालात बेहाल नजर आ रहे हैं।
तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है। तेज बारिश से साइबर सिटी गुरुग्राम के कई सेक्टर और रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों पर नदी बह रही है और लोग घुटनों तक भरे पानी से होकर आने जाने को मजबूर है। जो हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि गुरुग्राम जैसे शहर में अगर ये हालात हैं तो बाकी हम किसी और शहर से क्या अपेक्षा करेंगे, क्योंकि ये पूरा एरिया आप देखेंगे यहाँ पे भरा हुआ है और पानी ही पानी है। पीछे की तरफ भी जो गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, यहाँ सिर्फ पानी भरा हुआ है। अगर आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाऊं तो ये रोड सेक्टर 10A का है और ये पूरा भरा हुआ है, यहाँ सिर्फ पानी नजर आ रहा है और इस पूरे स्ट्रेच पे ट्रैफिक भी है क्योंकि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो जा रही है। हालांकि आज संडे का दिन है तो ऐसे में ऑफिसेज ज्यादातर ओपन नहीं होते हैं या छुट्टी होती है मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज की, इसलिए यहाँ ट्रैफिक तब भी कम देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। वरना यहाँ पे और ज्यादा ट्रैफिक होता और ज्यादा वाटर लॉगिंग होती। अभी अभी यहाँ पर जितना एरिया है जो यहाँ के सीवेज है वो सब पूरे फुल भरे हुए हैं, लोगों के लिए दिक्कत है। यहाँ खड़े हुए हैं बीच में, गाड़ियां टेढ़ी हो रही हैं और जो गाड़ियां हैं वो रुक जा रही हैं, आने जाने में दिक्कत है लोगों को भी। अगर आप देखेंगे तो कोने की जगह निकाल कर ढूंढ रहे हैं, वहां से निकल कर आ रहे हैं। इस तरफ भी देखें तो यहाँ पर भी लोगों को इतनी दिक्कत है कि बड़ी मुश्किलों से लोगों को अपने घरों तक जाना या काम तक जाना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? वसई चौक से। पानी कहाँ से भरा हुआ है? ये कादीपुर चौक से तो इधर भरा हुआ है और वसई चौक पे भी भरा हुआ है। पूरे नहीं, बीच में थोड़ा एक किलोमीटर नहीं भरा हुआ है। बाकी हाँ, जो नया बना हुआ है वहीं तक नहीं भरा हुआ है और पूरा भरा हुआ है। ये हमेशा ऐसे ही भरता है? ऐसे ही हमेशा। ये इतनी दिक्कत, इतनी ही दिक्कत होती है। सुनवाई कोई सुनवाई नहीं। ये तो मैं तो 5 साल से हूँ यहाँ पे, 5 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ। लोगों की स्कूटी रुक जा रही है, वो उनको लेकर खसीटते हुए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, पर यहाँ पर हालात बहुत खराब है क्योंकि पानी पूरे में भरा हुआ है। लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है, बस वो यहाँ पर कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस एरिया से निकल सके। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर पानी भर चुका है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और दर्जनों गाड़ियां पानी की चपेट में आने से खराब हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन वाटर लॉगिंग एक ऐसी समस्या है जो सबसे बड़ी बनकर आ खड़ी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गुरुग्राम के सेक्टर 10A में है, जहां पर हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आएगा। अगर आप देखेंगे तो मेरे घुटनों तक पानी भरा हुआ है, वहीं जो गाड़ियां आ रही हैं वो आधी से ज्यादा डूब चुकी हैं। ये नॉर्मल कॉलोनी है जहां रोड बना हुआ है, पक्के रोड पे अगर आप देखेंगे तो जो पानी की वेव्स है वो बहुत ज्यादा आ रही है। आप लोग यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। ये इस तरीके का जो अभी पानी भरा हुआ है ये हमेशा भरता है? हमेशा भरता है, जब भी बारिश होती है ऐसे ही पानी भरता है। आप लोगों की तरफ से कंप्लेंट की जाती है? कंप्लेंट की जाती है लेकिन होता कुछ भी नहीं। तो इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती? नहीं जी, क्योंकि एरिया अच्छा माना जाता है लेकिन फिर भी इस तरीके की वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। क्या कर सकते हैं जी बताओ, एरिया अच्छा है जब ये हाल है, बुरे हो तो क्या हाल हो। यहाँ पे अगर आप आगे भी देखेंगे तो पानी यहाँ पर घुटनों से ज्यादा भरा हुआ है, यहाँ पर चल पाना मुश्किल है पैदल। अगर यहाँ अगर बीच में कोई गड्ढा हो तो कोई भी आदमी इसमें गिर सकता है। जो यहाँ से ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो जा रहे हैं। दिक्कत होती है सर वाटर लॉगिंग में काम कर? बहुत बहुत काम दिक्कत है। दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। कहाँ से आ रहे हैं आप? एकादीपुर से। ये पानी भरा हुआ सारे में? पूरे में भरा हुआ पानी। और ऐसे ही भर जाता है बारिश होती है? हाँ बारिश होती है ऐसे भर जाता है। कोई सुनवाई होती है? कोई सुनवाई नहीं। देखिए जो लोग यहाँ काम करते हैं उनकी हालत देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है घुटनों तक। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हीरोंडा से, चौक से। तो वहाँ से पानी भरा हुआ जूते? बहुत पानी है, पानी तो नहीं है। गाड़ी कहाँ? गाड़ी बंद हो गई, ड्यूटी जा रहे थे। ऑटो ही बंद हो गया? हाँ ऑटो बंद हो गई, पानी में तो दिल्ली में वापिस आ। अभी कहाँ जा रहे हैं? अब कमरे वापिस जा। तो मतलब काम भी नहीं हो? काम नहीं आज छुट्टी। मैदानी इलाकों में बारिश से हालात विकराल नजर आ रहे हैं, तो पहाड़ों में भी कुदरत का तांडव जारी है। तेज बारिश के बाद कुल्लू में पानी के प्रचंड प्रहार की चपेट में कई गाड़ियां बह गईं। तस्वीरें डराने वाली हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि रफ्तार भरने की बजाय लग्जरी गाड़ियां बहने लगी और देखते ही देखते करीब 8 गाड़ियां सैलाब में समा गई। चश्मदीदों के मुताबिक ये कारें पार्किंग में खड़ी थी, तभी अचानक तेज बहाव की चपेट में आने से सभी कारें खिलौने की तरह बह गईं। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।
जेसीबी क्रेन की मदद से गाड़ियों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से हेरिटेज लाइन ट्रैक डूब गया है। तेज बारिश और लैंडस्लाइड के चलते वर्ल्ड फेमस टॉय ट्रेन की सर्विस बंद कर दी गई है और ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है। जून के महीने में एरू सैलानियों से भरा रहता है, लेकिन पहाड़ों में कुदरत के कहर ने सब कुछ रोक दिया है। कालका शिमला रूट पर जगह जगह भूस्खलन जारी है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को डेंजर इलाकों से हटने की अपील की है। देवभूमि उत्तराखंड में भी बारिश से हाल बेहाल है। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में सैलाब का सितम देखने को मिला। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में लबालब नजर आईं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुंबई का विजुअल है। एक तरफ उत्तर भारत में आसमानी आफत जारी है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी कुदरत का रौद्र रूप जारी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में तेज बारिश के चलते जलभराव है। मुंबई, पालघर और ठाणे में तेज बारिश का अलर्ट है। मुंबई में तेज बारिश ने एक बार फिर बीएमसी के दावों की पोल खोल दी है। बारिश से निपटने के तमाम दावों के बीच कई जगह पानी भरा हुआ है। जलभराव से अंधेरी सबवे बंद हो गया है, तो वहीं ट्रैफिक जाम से लोगों को घंटों सड़कों पर बिताने पड़ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट में भी बाढ़ का विकराल रूप जारी है। असम में 1500 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं और हजारों लोगों को अपना घर मकान छोड़कर पलायन को मजबूर होना पड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।